नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार चुनाव का चुनावी सर्वे करते करते हम पहुंच गए हैं मोतिहारी विधानसभा सीट में। पूर्वी चंपारण का ये एरिया है और महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो यहीं से शुरू हुआ था। सामने सत्याग्रह स्मारक है और यहाँ पर आम लोगों की राय हम जानेंगे कि इस बार इस जगह से किस पार्टी की जीत हो रही है, कौन यहाँ के विधायक बन रहे हैं और किसे लोग पसंद कर रहे हैं, किसे नापसंद कर रहे हैं, क्या कुछ मुहिम गांधी जी के स्थल से शुरू हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं और कुछ युवा भी हैं, इनसे जान लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं चंदमारी। चंदमारी, ये बताइए इस बार किसको पसंद कर रहे हैं जन मुख्यमंत्री आप लोग? जन मुख्यमंत्री अभी तो सोच रहे हैं चेंज करने के लिए, बदलाव। यहाँ विधायक किसको चुनिए? विधायक तो उन्हीं को चुनेंगे अभी यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है, हाँ यहाँ तो काम किए हैं, थोड़ा होना चाहिए, हाँ। मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए। लीजिए, तो आम लोगों से हम लोग राय ले रहे थे और यहाँ पर कुछ लोगों से और मिल लेते हैं और इन लोगों से जानेंगे। वही सवाल है कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में ये लोग किसे पसंद कर रहे हैं और विधायक के रूप में किसका चुनाव इन लोगों को लगता है कि बेहतर होगा। आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार इस परिवेश में बदलाव चाह रहे हैं इस बार के चुनाव में आप लोग, या वही सरकार रिपीट कराएंगे? जो कि हमने का तो सांच बात चाहता नहीं, जो मोदी साहब के अपनी भक्त हैं, अच्छा, प्रधानमंत्री के। लेकिन लोकल MLA जो बा साफ बेहुदा बा, लोकल MLA से नाराजगी है, हाँ। तो क्या मोदी जी ही पसंद कर रहे हैं? मोदी जी को देखकर वोट कीजिएगा या लोकल स्थानीय? ना, तो वोट तो करो मोदी जी के देख के वोट उसी को देना है, लेकिन कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं हुआ है, जो विधायक है, हाँ, हाँ। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार, किसको मुख्यमंत्री चुन रहे हैं? NDA की ही सरकार बनेगी। NDA की सरकार बनेगी, RJD का ना बदलाव नहीं हो रहा है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो आएगी। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने केंद्र और राज्य को मिलाकर देखा है, अगर बिहार का समुचित विकास देख रहे हैं तो दिल्ली को देखना जरूरी है। हमको कैंडिडेट अच्छा, डबल इंजन लेकर चलेंगे, हाँ कैंडिडेट डबल इंजन लेकर चलेंगे। यहाँ कुछ और लोग हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं और इन लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए सर, बिहार में इस बार बहार है या बदहाली की ओर जा रहा है, चेंज भाजपा और उसके समर्थक जीतेंगे? भाजपा और उसके सभासद जीतेंगे, आप क्या मानते हैं? क्या बोलिए ना, क्या किसकी सरकार बना रहे हैं बिहार में और यहाँ के विधायक? भाजपा को चुन रहे हैं। आप बताइए सर, भाजपा की बात है, भाजपा की बात है। तो जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं उन लोगों की पसंद आप देखिएगा भाजपा है। आगे चलते हैं और कुछ युवाओं की राय जान लेते हैं कि युवा क्या चाहते हैं। युवा बदलाव की ओर जा रहे हैं या वही पुरानी सरकार को रिपीट कर रहे हैं? मोतिहारी में हम बने हुए हैं और यहाँ पर आम लोगों की राय आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा पीछे पीछे चले और दिखाने की कोशिश करें दिखाने की, और धीरे धीरे चलें, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ लोगों से और जान लेते हैं, हम इनसे जानते हैं। आप बताइए सर, इस बार क्या मोतिहारी में बदलाव हो रही है या वही बिहार में बदलाव हो रही है? मोतिहारी में ही नहीं, बिहार में बदलाव, पूरे बिहार में बदलाव हो रही है और यहाँ के 12 सीट जो है परिवर्तन की तरफ, ये परिवर्तन कर रहे हैं। हम तो विधायक चुनेंगे, वो विधायक किसको चुनेगा वो जानता है, हम विधायक चुन रहे हैं। विधायक चुन रहे हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है बदलाव होना है? इधर आइए थोड़ा, बदलाव बिल्कुल आ रहे हैं, बदलाव होना है या वही सरकार रह जाएगी? उम्मीद तो है कि बदलाव होना ही, बदलाव होना है जी। आप जी, वर्तमान जो विधायक है 15 साल से है, 7 बेटी था, इसलिए लोगों ने उसको चुनाव लड़ रहा था, हार रहा था, लोगों ने जिता दिया कि बेटी का ब्याह हो जाएगा। और इस मोतिहारी का 43 अरब रुपया उसने गबन कर लिया। लीजिए, देखिए देखिए, बड़ा आरोप है जनता का आरोप। आपका क्या आरोप है सर, क्या होना है इस बार, क्या होना चाहिए? बदलाव होना है। तो बदलाव का मुख्य मुद्दा क्या है? बहुत दिन हो गया है इनको, रोटी उलटना एकदम जरूरी है, जल जाएगा तो क्या खाएंगे। जनता समझदार है और जनता सारी चीज़ें बता रही है। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या यही सही है? अरे बदलाव भी होगा तो कैंडिडेट तो अच्छा नहीं है, बदलाव में भी समझे कैंडिडेट अच्छा नहीं, दूसरे पक्ष मजबूरी है कि
मोदी जी का नाम पर हम लोग मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो अब नीतीश को बनना चाहिए। नीतीश को बनना चाहिए, आप क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश को बनना चाहिए। किसी को बनना चाहिए, आप युवा हैं, आप बताइए किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए और किसको मोतिहारी का विधायक होना चाहिए? प्रमोद कुमार जी को मोतिहारी से विधायक होना चाहिए और नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, मतलब वही रिपीट कर रहे हैं आप। चलिए, काफ़ी लोग हैं और ये युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, आपके मायने में आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, युवा क्या चाह रहे हैं? मेरे मायने से अगर आप पूछिएगा तो बदलाव तो 100% नहीं, लेकिन 200% जरूरी है। 100% जरूरी है। एक चेहरा हम लोग देखते कर काफ़ी थक गए हैं। और मोतिहारी के जहाँ तक अगर विकास पूछ रहे हैं, मोतिहारी में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ, चलिए बिल्कुल इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? अच्छा चलिए, दोनों आदमी से पूछ लेते हैं। पहले आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? यानी विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव एकदम, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन। मोतिहारी में हम हैं और यहाँ पर कई लोगों से हमने राय जानने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर देखा जाए पूरा समीकरण जिस तरह हम दिखा रहे हैं आपको मोतिहारी का, लगातार बिहार का, तो कहीं ना कहीं इस बार पलड़ा भारी है और हर जगह खिचड़ी पक रही है। कह दिया जाए कि अब जो है भागदौड़ की घड़ियां ख़त्म हो गई है, निर्णय जनता को लेना है। देखने वाली बात यह है कि आखिर मोतिहारी की जनता क्या करती है। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ अभिषेक कुमार।